हारा वो जो लड़ा नहीं और जो मनोवेग से लड़ा जीता वही। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस आरब जक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अभी एक सीरीज चला रहे थे कि जैसे जो यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर का रिजल्ट आया था, उसी में आज एक रोचक कहानी हमारे बीच में है। इसमें हमारे बीच है बात करने के लिए धीरज जी। और धीरज जी, सर्वप्रथम आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धीरज जी यूपी पुलिस में तैनात थे और यूपी पुलिस की इन्होंने तैयारी करते हुए इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और ये आज जो है यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मतलब एक यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर में हमारा चयन हो गया है जी। और काफी खुशी भी है, घर में चारों तरफ माहौल अच्छा है, जी उसको लोग खुश हैं। तो इसके पीछे आपका क्या मतलब क्या मोटिव था कि यूपी पुलिस को छोड़ के आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया? सर मोटिव तो मतलब बचपन से ही रहा है कि हमें कुछ आगे करना है, मतलब अधिकारी टाइप का ही कोई ऐसा जॉब पानी थी और अभी भी निरंतर लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के पेपर देते रहते हैं, अभी भी दे रहे हैं, अभी अक्टूबर में है पेपर, उसको भी देना है। आरओ वाला क्योंकि पुलिस में 24 घंटे ड्यूटी रहती थी और जो घर में घर वालों का सपना था, क्योंकि मेरे मामा पढ़ाते थे मुझको और मेरी नानी जी पढ़ाती थी मुझको, तो उनका सपना था कि मैं कोई अधिकारी की नौकरी हासिल करूं, तो इसी लक्ष्य को पाने के लिए मैं निरंतर लगा रहा। जी। तो धीरज जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये एग्जाम क्या होता है जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है? ये एग्जाम जो यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है, ये क्या होता है और कैसा इसका पैटर्न होता है? इसका सर पहले ये जो एग्जाम हुआ था 2015 के लोअर पीसीएस के विज्ञापन में ये पद थे। अच्छा जी। लेकिन इसको बाद में आयोग ने आयोग हटाकर इसको अलग से विज्ञापन निकालने की तैयारी किया जी। लेकिन तब तक सरकारें बदल गई जी। फिर ये लोअर की सारी भर्तियां जो है यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया गया। जी जी। तो 2017 के दिसंबर में विज्ञापन आना था, विज्ञापन नहीं आया। फिर 18 के मार्च में विज्ञापन आया यूपी ट्रिपल एससी से जी, लोअर पीसीएस, मतलब जैसे कि लोअर पीसीएस के अंतर्गत भी, लेकिन ऐसा सेपरेट विज्ञापन निकाला गया। तो सेपरेट विज्ञापन में इसको जो है परीक्षा कंडक्ट कराई यूपी ट्रिपल एससी, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट थे। 50% माइनस मार्किंग थी इस पर। और सबसे टफ तो इसमें फिजिकल बहुत टफ था जी। फिजिकल तो मतलब एज ए पुलिस, सीआरपीएफ, इन सब से मतलब बहुत ही टफ फिजिकल था इसका। किस तरह से होता है फिजिकल इसका, थोड़ा सा बताइए भी। इसका फिजिकल रनिंग थी 30 सेकेंड, 28 सेकेंड, 26 सेकेंड, 24 सेकेंड, जैसे जितना वैसे नंबर थे। और गोला फेंकने का था, हाई जंप था, लॉन्ग जंप था, ये चारों स्टेप थे, चारों स्टेप में 45 नंबर पाने थे। तो आपने पाया इसमें कितना मार्क्स पाया, कुछ मार्क्स मिला था? तो हमने 65 नंबर मेरा अचीव हुआ था फिजिकल में, क्योंकि मेरा फिजिकल बचपन से ही कमजोर रहा था। अच्छा। मैं पढ़ने में ज्यादा मतलब जोर देता था, मतलब फिजिकल उस तरीके का मेरा नहीं था। लेकिन यह है कि मैं निरंतर 2 साल लगा था उसी फिजिकल में ही, क्योंकि मेरा पेपर इतना अच्छा हो गया था कि तय हो गया था कि मेरा चयन उसमें होना ही होना है जी। तो मैं फिजिकल में 100% अपना दे दिया था जी। और सुबह शाम तैयारी करता था। कैसे? अच्छा, तैयारी की क्या क्या चीजें थी, कैसे आपने सारी चीजों की तैयारी की? तैयारी तो हमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग से बहुत सहयोग मिला। जहां हम जॉब करते थे ऐसे टाइम शेड्यूल करते थे कि जो हमें समय मिल जाए शाम को जी, और शाम को समय मिल जाए तो मैं प्रयागराज आईजी साहब और एडीजी साहब के डाक रनर थे, तो वहां से आते थे तो समय हमें मिलता था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जाकर शाम को फिजिकल कर लेता था जी, और फिर वहीं से अपना आकर डाक
अपना जो ड्यूटी थी वो शाम से ड्यूटी करता था, तो ऐसे ही डेली 2 साल के चला। ऐसे आपने किया तैयारी, तो जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद आप पुलिस विभाग में गए, लोगों को बताया कि मेरा रिजल्ट मेरा यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर पे चयन हो गया, तो क्या लोगों के रिएक्शन थे? एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो 4-5 दिन तक तो कोई जान ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि हमारे घर को भी मैंने नहीं बताया था कि ये रिजल्ट हमारा आ गया है और जो है हमारा चयन हो गया है। जी तो फिर एक दो लोग जो जानने वाले थे वो बताए, तो फिर पेपर में आया तो उसी के माध्यम से सभी लोग जान गए, तो ऐसा जैसे था। जो इसका रीटेन वाला पेपर था, जैसे आपने बताया मैथ रीजनिंग और ये सब था, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की या कौन सी बुक लिस्ट उसके लिए आपने पढ़ी? मैं तो पहले भी जो कोचिंग वगैरह किया था और उसके बाद पढ़ता भी रहता था, किताबें भी पढ़ता रहता, स्टडी तो मेरी जारी थी पहले से ही, तो उसी माध्यम से जो मैं पढ़ता था, जैसे घटना चक्र हो गए, परीक्षा वाणी हो गई, जीएस तो यही यहीं से पढ़ते थे, हिंदी हरदेव बारी और जो ये आदित्य पब्लिक की जो हिंदी की इसको पढ़ता था, जी मैथ पढ़ता था आर्य अग्रवाल किताब से, कोई मतलब ऐसा देखिए जो किताब पढ़नी है वही बार बार किताब बार चाहे जो किताब पढ़े हाँ सारे चीजें घुमा फिरा कर एक हर किताबों में वही है, जी, बस हमें वो एक ही किताब चुन कर पहले बेस किताब बिल्कुल मजबूत करना है, उसके बाद हर किताब उठानी है, पढ़ना हर बार पढ़ाना है, जी चाहे परीक्षा वाणी हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे माइग्रा हिल की कोई किताब हो, जो भी किताब जरूर पढ़ें, उसको कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे तो फिर परीक्षा में कोई क्वेश्चन उसमें पूछा होगा तो ध्यान आ जाएगा। माइक आपका म्यूट हो गया है, माइक आप ऑन कर लीजिए, माइक आपका म्यूट हो गया है। हाँ बस ओके, अब आप बताइए। जी हाँ अब बताइए, आपकी आवाज नहीं आई, माइक आपकी म्यूट थी, अब आ रही आवाज हमारी? हाँ अब फिर आपकी आवाज म्यूट आपका क्यों हो जा रहा? हाँ ठीक है, अब ये फोन आ रहा। हाँ सर अब हाँ, ठीक है, तो फोन को मत उठाइए अभी आप। तो जैसे आपने इसके लिए कितने घंटे की तैयारी की, आपको ड्यूटी भी करनी थी 12 घंटे, फिर माइक आपका म्यूट हो बिल्कुल जा रहा? इसके मैं इसके लिए बिल्कुल जो है मतलब पर्सनल इसकी तैयारी नहीं करता था, मैं पीसीएस की तैयारी और आरओ एआरओ की तैयारी करता था और बीच में ये फॉर्म भी डाला था, तो लोअर का फॉर्म जैसे डालते हैं और उसी हिसाब से इसका भी डाल दिए थे युवा कल्याण अधिकारी का, तो उसकी तैयारी जैसे करते थे बेस बना के वैसे इसको भी करते रहे, अपने फ्लो में तैयारी करते रहे और फिर परीक्षाएं देते रहते हैं, चाहे जो तैयारी तो हमेशा उसी हिसाब से चलती है जैसे तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं अभी आपका लक्ष्य बड़ा है, यूपीपीसीएस कम से कम फतह किया जाए, आपका लक्ष्य ये है और उसी की आप तैयारी कर रहे थे, और फ्लो फ्लो में ये फॉर्म आया और आपने फॉर्म डाल दिया और इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, क्यों धीरज जी? हाँ तो सर अब आपको कैसा लग रहा है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, क्या आप कुछ लग रहा है कि लक्ष्य कुछ कुछ प्राप्त कर लिया है कि अभी और आगे बढ़ना है? नहीं अभी तो तैयारी चली रही है इसकी, जो मेन लक्ष्य है यूपीपीसीएस उसको देना है जी और इसी में कुछ संभावनाएं तलाशनी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो कैसे आप कवर करते थे, 12 घंटे उधर ड्यूटी रहती थी और अभी इधर जो है आपको पढ़ना भी रहता था, तो कैसे कवर करते हैं, क्या ड्यूटी के दौरान नहीं तो पढ़ते हैं आप? मैं ड्यूटी के दौरान भी पढ़ता था, जहाँ मैं समय मिलता था वहाँ पढ़ता था, अच्छा और हमारे एक मित्र थे जयशंकर केसरवानी जो बहुत कॉपरेट करते थे हमको, जब मैं ड्यूटी रहती थी तो दोनों लोगों की ड्यूटी रहती थी तो थोड़ा वो हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे और हम तैयारी भी करते थे, एक हिसाब से हमें समय भी वो दे देते थे कि आप पढ़िए, आप जो है जी आपका जी एग्जाम है, जी तो मतलब उनका भी सहयोग बहुत ज्यादा था। जी अच्छा, इसका इसके पीछे सफलता का मंत्र क्या आप कहेंगे कि आपके लिए सफलता का मंत्र क्या था?
सफलता का मंत्र तो एक हिसाब से आपको सच बताया तो मैं जब भी ड्यूटी करने जाता था मेरे पास बैग रहते थे और गाड़ी बाइक रहती थी और बोतल रहता था। ये तीन जो बात शब्द जुड़े हुए हैं बोतल बाइक बैग, बैग। ये मतलब बैग में किताबें रहती थी जरूरी किताबें और बोतल में पानी रहता था, गाड़ी रहती थी, गाड़ी से ड्यूटी हो जाती थी, जहां समय मिलता था बैग से निकाल करके बुक्स पढ़ते जी थे, जी ऐसे ही चलता था। जैसे कंपनी गार्डन हो गया या जहां भी मतलब जब समय इलाहाबाद में मिले हमें तो कंपनी गार्डन चले गए वहां पढ़ लिए, यूनिवर्सिटी ग्राउंड चले जाते थे वहां पढ़ते थे, ऐसे ही जहां समय पे भी निकालते मौका हैं। अभी मिला भी ऐसे आपने ही वहां समय पे निकालते पढ़ा। हैं अगर, जी हाँ जहाँ समय मिलता था ट्रेनों में समय मिलता है ट्रेनों में पढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर होने की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस उनसे यही कहना चाहूंगा किसी भी लक्ष्य को आप पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, ऐसा नहीं है एक दो प्रयत्न में नहीं हुआ तो आप जो है मतलब नहीं होगा, निरंतर आप लगे रहिए तैयारी में। मैं तो 2011 में नौकरी पा गया था, उसके बाद फिर मैं जो है पूर्ण रूप से नहीं हुआ, फिर निरंतर परीक्षाएं देता रहा, सफल होता रहा लेकिन निरंतर लगा रहा जी जी और अंतोगत्वा सफलता तो मिली है, लेकिन अभी जो सफलता के लिए प्रयत्नशील है उसके लिए अभी भी हम लगे हुए हैं। जी जी मतलब अभी जो लक्ष्य हासिल करना हो उसके लिए आप निश्चित तौर पर अभी आल लगे हैं। तो धीरज जी, कोई और आपको ऐसी बात लग रही जी सर, है जो हमने कवर नहीं किया और आपको लग रहा है कि एक एस्पिरेंट को ये जानना चाहिए जो तैयारी कर रहा है, कोई और बात जो आपको लग रही हो छूट गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। एक्सटेंट को मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी कर रहा है तो निरंतर लगा रहेगा जी अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो एक ना एक दिन जरूर पा जाएंगे। क्योंकि जी मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव में तो अभी तक कोई हमारे हिसाब से पुलिस में भी कोई नहीं था और अधिकारी की बात तो मतलब दो चार पूर्वा के आगे आस पास कोई अधिकारी ही नहीं था, अधिकारी रैंक की कोई नौकरी नहीं पाया था आज तक। बिल्कुल, आपने उस रैंक को हासिल किया, बहुत बड़ी सफलता है वो, स्पेशली उस क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र से आप आते हैं। और ये जो सफलता हमें मिली है इसके पीछे तो मतलब मेरी नानी जी हैं, जो मैं उन्हें अम्मा कहता था बचपन से, उन्होंने इस शिक्षा दीक्षा दी हमको जी और मामा के यहाँ रहता था वहीं से तैयारी करता था मैं, तो जी 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 उन्हीं लोगों की देन है कि मतलब मैं वहां से यहाँ तक आज तक आ गया, नहीं तो हम तो अपने हिसाब से कि चपरासी भी नहीं बन सकते थे। बिल्कुल, कि वहां से आपने यूपी पुलिस से सीधे आपका यहाँ तक सफर रहा। इसी हाँ के पहले मैं रेलवे में जॉब मेरी थी, रेलवे जी में मैं जॉब पाया था लेकिन फिर उसको नहीं किया, इधर पुलिस में हो गया, पुलिस में आ गए फिर अभी इधर हो गया। निश्चित तौर पर ये आपकी स्टोरी लोगों के लिए मोटिवेशन होगी, जो बहुत सारे लोग हैं जो संसाधन विहीन हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपके आपने जैसा कि बताया कि आपके आसपास दूर दूर तक क्षेत्र में कोई पुलिस भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत आप होंगे। और आपकी ये जो जर्नी है यूपी पुलिस से सीधे यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर तक, ये निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक मोटिवेशन है लोगों के पास। इसी के साथ साथ और अभी कोई आपको बात लग रही है धीरज जी की बताना चाहिए और वो छूट गया, कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लग रहा हो, या अगर ये एग्जाम यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है, जैसे आपने बताया इसका फिजिकल टफ होता है, रिटेन जो है एसएससी लेवल का या कह सकते हैं उससे थोड़ा लो लेवल का ही होता है। नहीं फाइल का ये काम था मतलब हाँ लोअर पीसीएस रैंक की जॉब है, अच्छा लोअर पीसीएस रैंक की इसकी परीक्षा भी थी जो जी 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 मतलब टफ एग्जाम इसका हुआ था, रिटन भी बहुत टफ था इसका जी और मेरिट भी काफी हाई गई थी इसकी, मेरिट भी काफी हाई गई थी। तो कोई मेरिट बुक आप बताना चाहेंगे, काफी हाई गई थी कोई इसकी। बुक आप स्पेशली बताना चाहेंगे जिससे आपने तैयारी की? एक्चुअली सर वो किताबें तो हमने सभी पढ़ी लगभग और बार बार पढ़ी, जी जो मार्केट में किताबें आती हैं स्पेशली कोई एक किताब से सफलता नहीं मिलती किसी को, जी जी मतलब कई बुक्स रही। कई बुक्स रहेंगी उसके हिसाब जो सिलेबस आता है परीक्षा का विज्ञापन में, उस विज्ञापन के दौरान जो जितनी सारी किताबें की आवश्यकता हमें महसूस हुई उसको हमने प्रोवाइड किया और जो है परिणाम हमारे सामने है। बिल्कुल।
धीरज जी चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो व्यूअर मैं उनको बताना चाहता हूँ, नीचे हमारे चैनल पे बहुत सारे यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस के टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, और बहुत सारे अभी जेआरएफ की स्ट्रेटजी, आप विभिन्न प्लेलिस्ट है, रिसर्च के बहुत सारी लिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। इसी के साथ साथ धीरज जी चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद सर।